जौनपुर के बदलापुर थाना अंतर्गत बलुआ गांव में एक दूल्हे को निकाह करने से मना करना महंगा पड़ गया, जहां दूल्हे के शादी से इनकार करने पर घरातियों ने दूल्हे सहित कई बारातियों को बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि बलुआ गांव निवासी रकीबुर रहमान ने अपनी बेटी परवीन बानो की शादी महाराजगंज थाना क्षेत्र के सराय परसराम राजा बाजार निवासी मोहर्रम अली के बेटे तौफीक से तय की थी। शादी की तैयारी पूरी हो चुकी थी। रकीबुर रहमान के घर देर रात बारात आई। घराते पक्ष ने बारातियों की जमकर खातिरदारी की। एक के बाद एक सभी रस्में पूरी होती रहीं। 10:30 बजे के करीब मौलाना कमरुद्दीन शाह ने पहले लड़की से निकाह की इजाजत ली। इसके बाद जब दूल्हे को निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया गया तो उसने 2 घंटे बाद अगला दिन लग जाने पर निकाह पढ़ने की बात कही। इसे दोनों पक्षों में खलबली मच गई। दूल्हे के पिता ने समझाने की कोशिश की तो दूल्हे ने उन्हें भी टपट दिया। मामला नहीं संभला तो दूल्हे का पिता मौके की नजाकत भाप कर मौके से खिसक लिया। अधिकतर बाराती भी खाना खाने के बाद रात को ही भाग खड़े हुए। वहीं निकाह नहीं हुआ तो घरातियों ने दूल्हे सहित लगभग 15 बारातियों को बंधक बना लिया। बात है, अब वहाँ से यहाँ पे आके बताने में इन लोगों को जो गलती हुआ हो या फिर इन लोगों का जो दिमाग चेंज हो गया, बस वही बात है। कोई बात नहीं, शादी अभी तक हम लोग मना कर रहे हैं कि नहीं करेंगे। अब सामने वाले खुद ही मना कर रहे हैं कि हम आपसे निकाह नहीं कराएंगे, शादी नहीं कराएंगे। आप मेरे हाल जाना। फिर मामला कैसे सुलझाए, मतलब क्या हुआ, अब क्या हो रहा है? अभी ये बोलने की तुम्हारी शादी निकाह नहीं कराएंगे, आप जितना खर्चा हुआ मेरा खर्चा दो और आप जाओ, शादी का पेनल्टी खर्च नहीं। क्या नाम है आपका? जब तक आप यहाँ इनका खर्चा नहीं देंगे तब तक आप खर्चा नहीं देंगे, ये अपने घर पे हम रखेंगे ये लो। हाँ। वहीं घराते पक्ष के लोगों ने शर्त रखी कि शादी में हुए खर्च का भुगतान करने के बाद ही उन्हें छोड़ा जाएगा। दोनों पक्षों में देर रात से शुरू हुई पंचायत अगले दिन तक चली, लेकिन बात नहीं बनी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अभी घराती घराती खाना भी खा चुके थे, निकाह लड़की का पढ़ा दिया गया। जो लड़के की तरफ गए निकाह पढ़ाने, लड़के ने कहा कि हम निकाह 12 बजे के बाद करेंगे, अर्थात 1 घंटे बाद। बड़े बुजुर्ग लोग, उनके माता पिता हमें समझाए तो भी लड़का नहीं माना। हमने कहा चलो ठीक है, 1.5 घंटे बाद 1 घंटे बाद निकाह कर लिया जाएगा। चलिए सब लोग खाना खा लीजिए, तो हम लोग इधर आके खाना खा लेंगे। इस बीच इनका पिता और बच्चों में जो है लड़कों में इसी बात को लेकर विवाद हुआ। इनका पिता जो है यहाँ से भाग गए। 12 बज गया, हमने कहा कि जब गार्जियन ही नहीं है, पिता ही नहीं लड़के का, हम उससे किस किस आधार पर निकाह करें। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से तय हुआ कि शादी में खर्च हुए 7 लाख रुपए अदा करने के बाद सभी को छोड़ दिया जाएगा। दूल्हा पक्ष पैसे के लिए इधर उधर भटकता रहा, लेकिन शाम तक इंतजाम न होने पर सभी बंधक बने रहे। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घराती और बाराती पक्ष के लोगों को थाने ले आई, जहां पंचायत चल रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट।